अब हम करते हैं 2.6 हो चुकी है, सॉरी 2.7 हम करते हैं। 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे हेडिंग है फैक्टराइज। इसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि यूजिंग आइडेंटिटी, ये वो कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। फर्स्ट और लास्ट ये दो क्वेश्चन मैं करूंगा, 6xy-14yz, ठीक है। अब इसके ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे फैक्टराइजेशन का। सबसे पहला उसूल आपका यहाँ पे कॉमन लेना होगा। अगर कॉमन लेते हैं हम, तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। देखिए कॉमन कैसे, मैं बताता हूँ आपको कि कॉमन कैसे लेना है। दोनों एक टेबल पर जा रहे हों तब जाके कॉमन लेते हैं, जैसे 2 3 6 2 7 4। उसके अलावा कोई ऐसा टेबल हमें मिल नहीं रहा जिस पर ये दोनों जा रहे हों। अगर जा रहे हैं तो मुझे बता दें, मेरे नॉलेज में इजाफा करें। नहीं जा रहे तो इसका मतलब है फिर हम 2 से, जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, उसको बाहर लिख लें। लिख लेने के बाद साथ ही x क्या दोनों में मौजूद है, नहीं लिख सकते। y दोनों में मौजूद है तो कॉमन लिख लेंगे। कॉमन लिख लेने के बाद अब जो पीछे बचा उसको वैल्यू को लिख देंगे। अब इसका टेबल दोबारा देख लेना, मैं हर क्वेश्चन में ये वैल्यू बातें रिपीट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया करूंगा, इसलिए यहाँ पे मैं जोर से समझा रहा हूँ तो समझ लें, टिक टिक नहीं करें। 2 3 6 इसका टेबल यहाँ तक पढ़ना है, 2 3 तो 3 लिख देना है। यहाँ से वाई बाहर जा चुका है, पीछे क्या बच गया है, नेक्स्ट स्टेप मैं तेजी में बोल बोल के कर दिया करूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी मैं स्लोली बता रहा हूं तो गौर से सुन लें। माइनस 2 7 14 7 लिख दिया, वाई बाहर जा चुका है तो जी पीछे बच गया। अच्छा एक बच्चे ने पूछा था ये कैपिटल लिखने हैं स्मॉल लिखने हैं, जैसे मर्जी लिख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, ये मिस्टेक नहीं है, ठीक है, बस ये आंसर है। जी लेंगे। जरूरी नहीं है, जितना मैक्सिमम कॉमन लिया जा सकता है वो कॉमन ले लें। इसलिए मैंने कहा था ये 2 इसका कॉमन आ रहा है, अगर कुछ और कॉमन आ रहा है तो मेरे नॉलेज में इजाफा करें, मुझे बताएं। मैंने बार बार आपको कहा एक चीज, 30 और 45 है वही बात, दोनों क्या किसी और टेबल पे जा रहे हैं दोनों, no. फिर बात खत्म। मैंने वो क्वेश्चन अभी शुरू किया है, फिर आप ना पूछे तो उसके अलावा लास्ट वाले के अंदर वो बातें सारी आ रही जो आप पूछना चाह रहे हैं। अगर कोई टेबल है तो मतलब ऐसा नहीं, फिर कॉमन नहीं ले सकते, दोनों नंबर डिजिट कॉमन आना जरूरी है। फिर एज इट इज आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, 9 p² q² - 18 pq + 27 pq³ 4। आपके सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, बस माइंड आपका यहाँ अटेंटिव हो, पिछले जितने आपके सवालात माइंड में क्रिएट हो रहे हैं सारे यहाँ सॉल्व होंगे माइंड के अंदर। ये पिछले क्वेश्चन आप कह रहे हैं उसके अंदर एक्स वाई है सिर्फ, पावर्स माइनस हो रही है, पावर्स कॉमन आ रही है, वो सारा को यहां भी आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या लॉजिक आपने जहन में रखना है पहले वो सोच लें। सबसे पहले डिजिट के बारे में सोचते हैं, डिजिट्स 9 18 27 3 पे कॉमन आ रहे हैं अब, लेकिन वही मैं आपकी बातें वही मैं बता रहा हूं, सुने गौर से तो आपको सारा क्लियर होगा। लेकिन ये उससे अलावा जैसे मैं कह रहा था मुझे भी बताएं अगर किसी और पे जा रहे हैं तो सुने, 6 पे जा रहे हो शायद नहीं जा रहे, 9 पे जा रहे हैं हाँ जा रहे हैं, जिस पे मैक्सिमम पे जा रहे हैं ना पहले वो कॉमन लेंगे। तीनों जा रहे हो कोई दो नहीं बल्कि तीनों, क्योंकि टर्म्स 4 नहीं है, जब टर्म्स 4 होंगी तो बात अलग है, रूल अलग है। यहाँ टर्म्स कितनी है, 3 जब टर्म्स होंगी तो रूल यही लगेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि तीनों में से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तीनों में से जब हमने सोचा तो मैक्सिमम नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है, 9, तो मैं 9 कॉमन लिख रहा हूं। उसके बाद आगे जी मैक्सिमम, दो चार दफा मैंने वर्ड बोला मैक्सिमम, और
अब आ गई बारी पी क्यू। पी क्यू सब में मौजूद है, हमेशा पी क्यू वही कॉमन लेना है जो गिवन पावर्स में सबसे छोटा होगा। अब यहां पे उलट है काम, काम उलट हो गया ना। डिवाइड करते हुए डिजिट्स के बारे में मैंने कहा जो सबसे बड़ा नंबर इनको डिवाइड कर सके वो कॉमन लेना है, जबकि पी क्यू एक्स वाई जी ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर कुछ भी है तो उसमें से सबसे छोटी पावर जो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है वही कॉमन ले लेनी। सबसे छोटी पावर पी की क्या है, पी वन, क्यू की पावर की भी क्या है वन, ये कॉमन आ जाए, यानी कि पी क्यू सिंपल ऐसे ही है ना। तो पी क्यू सिंपल हम कॉमन ले लेंगे, पी क्यू आगे आगे ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, यहां से देखिए नाइन बाहर जा चुका है, नाइन वन जार नाइन, तो वन आया ना, वन हम लिखते नहीं है। पी स्क्वेयर, पी एक जा चुका है, एक पी आ गया ना, बोलना नहीं, जिसको आता है वो नहीं बोले, जिसको नहीं आता वो सवाल जरूर पूछे। क्यू स्क्वेयर है, ये क्यू सिंगल है तो एक क्यू बच जाएगा, माइनस होने के बाद आ रहा है ना, उसके बाद माइनस ये वाला नाइन टू जार एटीन टू लिखा। पी वन है, वन ही बाहर जा चुका है, क्यू वन है, क्यू बाहर जा चुका है, नहीं लिखेंगे ठीक है ना, नहीं लिखेंगे जो बाहर जा चुका है। मिस्टर इधर देखें, और नाइन थ्री जार ट्वेंटी सेवन प्लस का माइनस का है, प्लस का, जो भी साइन होता है रेलिवेंट वही लगाएंगे। नाइन थ्री जार ट्वेंटी सेवन पी की पावर टू रह जाएगी, जो कि थ्री है वन बाहर जा चुकी है। क्यू की पावर फोर है, वन बाहर जा चुकी है, क्यू की पावर फोर रह गई, हाँ जी थ्री रह गई ठीक है। अब हमारे पास यही सोल्यूशन है, इससे आगे क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये मैं पेपर में नहीं दूंगा, आप करेंगे फिर भी, ये एमसीक्यू आ सकता है, ये तो एमसीक्यू पूछा जा सकता है जी, फैक्टराइज करके इसका बताएं जरा। ये तो अभी आपको बेस बनाई जा रही है, टू टू जार फोर सिखाया जा रहा है, आगे देखते हैं होता है क्या। क्वेश्चन नंबर टू, फैक्टराइज द फॉलोइंग, यहाँ पे आ गई है टर्म्स फोर। टर्म्स फोर के अंदर रूल सेपरेट है, टर्म्स फोर के अंदर मैं तीन पार्ट टोटल करवाऊंगा, थोड़े मुश्किल वाले मैं बताता हूँ। थ्री का ही रूल है सिंपल, बस एक दफा कॉमन लेते हैं बात खत्म हो जाती है। इसमें एक क्वेश्चन पूछना है जी, जब एक वैल्यू जब फैक्टराइज कर रहे हो पूरी खत्म हो जाए तो उस थ्री का वन आ जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर बोल दे मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन इसका फिफ्थ पार्ट, यस सर, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस x y z स्क्वायर प्लस x y z। अब मैं बता रहा हूं, मैं यहां ही अगर बात बता रहा हूं ना, तो जो मैं क्वेश्चन नंबर 2 में करवाना था वहां पे अक्सर होना है, तो मुझसे फिर दोबारा वहां पे कोई ना पूछे, क्योंकि यही बात मैंने वहां बतानी थी, आप यहां पूछ रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ क्लियर कट, तो फोकस इधर रखना कि क्या होने वाला है। कॉमन सबसे पहले छोटी पावर आती है, एक्स वाई जी कॉमन आ गई, सबसे छोटी पावर जी आनी है, यहां से एक्स बच गया, वाई बच गया और जी बच गया, माइनस एक्स चला गया, वाई चला गया, जी अकेला रह गया, प्लस एक्स चला गया, वाई चला गया, जी चला गया। और याद करें ये हम डिवाइड कर करके कॉमन लेते हैं या प्लस माइनस करके लेते हैं, डिवाइड करके लेते हैं। जब डिवाइड या मल्टीप्लाई का फॉर्मेट हो तो वहां पे क्या बचता है, वन। क्वेश्चन सॉल्व, ये कंफ्यूजन अब आपको अगले ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना फोर टर्म्स वाले, इनके अंदर बार बार आनी है, तो मैं एक ही दफा बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू एक्स, टिक टिक बंद करें, माइनस टेन जी। फैक्टराइज करने के लिए जब फोर टर्म्स आ जाएं तो सबसे पहले बेसिक रूल, मतलब मैं अपनी तरफ से जो आपको हिंट सिखाता हूं उसमें देखें, सबसे पहले सारी टर्म्स में से कॉमन ढूंढें, आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, सारों में से इकट्ठा कॉमन आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, अगर ना आए तो फिर फर्स्ट टू में कॉमन ढूंढेंगे। फर्स्ट टू में कॉमन कुछ आ रहा है, जी आ रहा है, एक्स आ रहा है ना, गधे दोनों में कॉमन, अगर कॉमन आ रहा है तो इट्स मीन हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा तो फिर सेकंड टर्म को उठा के फोर्थ पोजीशन पर ले जाएं, फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा, उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो जी फिर पहले
ना 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 बात एक ही जहन में रखे ताकि आसानी से सोच सके उसको। सेकंड टर्म उठा के फोर्थ टर्म पर ले जानी होगी। वो मैं समझाना है लेकिन मैं आपको रूल बेसिक तीन बता चुका हूँ। सबसे पहले सारों में कॉमन ढूंढे, अगर नहीं मिला तो फर्स्ट टू में कॉमन ढूंढे, अगर फर्स्ट टू में कॉमन नहीं आ रहा तो सेकंड वाली उठा के फोर्थ पोजीशन पर ले, लास्ट पे नंबर पे ले। ये तीन रूल मैंने बोल दिए हैं। सेकंड वाले पे जैसे आ गया तो कॉमन ले लें, बात यहीं पे क्लोज हो जाएगी। एक्स कॉमन आ गया दोनों में से, पीछे क्या बचा, एक्स प्लस फाइव बच गया, एक्स तो बाहर जा चुका है। अब आ गया साइन कौन सा पुट करना है इस ब्रैकेट के बाद, जो भी थर्ड टर्म का साइन होगा वही साइन नीचे लग जाएगा। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, साइन अकेला ना लगाने की वजह से पिछली रिवीजन में जब पिछला राउंड चल रहा था मैथ का, मैंने क्वेश्चन क्रॉस कर दिए थे फुली जीरो नंबर। मैं फिर बता रहा हूँ, जो थर्ड टर्म का साइन है बगैर किसी कंफ्यूजन के वही साइन नीचे आएगा 100%। तो मैंने जो बोला उस वक्त क्वेश्चन ही चेंज हो चुका हुआ है, उसके मुताबिक जो थर्ड टर्म का साइन है वही आएगा उसके मुताबिक। हाँ जी ठीक है, ये आ गया माइनस का टू, माइनस का टू आ जाएगा। इन दोनों में से डिवाइड करके ढूंढने एलसीएम क्या आया, टू ही आ रहा है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो टू एलसीएम आ गया, ब्रैकेट आ गई, क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। एक्स टू फाइव जार टेन, यहाँ साइन बीच में कौन सा लगेगा, माइनस का था लेकिन इस माइनस ने उसको चेंज करके प्लस कर दिया। यही एक चेंज है जो फोर टर्म्स वाले के अंदर दूसरे क्वेश्चन से अलग है, ये सेपरेट सा रूल है। जो फोर टर्म्स वाले में होगा यहाँ वाला जो भी साइन हुआ लगेगा वही, इन केस यहाँ पर अगर माइनस नहीं होगा तो, और यहाँ पर माइनस नहीं है तो ये साइन एज इट इज लग जाएगा। अगर ये वाला माइनस आ गया बाहर तो इसने उस वाले साइन को नीचे लाने के लिए चेंज कर देना है। इसका मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई होता तो माइनस में हां जी, 10 के साथ अगर प्लस होता तो फिर भी इनका वो एलसीएम लेते, अगर 10 के साथ माइनस लिखा हुआ है तो उधर प्लस। मैंने इतना बोला है इस साइन ने उसको चेंज कर दिया, एलसीएम तो मैंने बोला ही कोई नहीं, एलसीएम किधर आ गया, एलसीएम लेना इसको नहीं कहते। सर इस साइन चेंज करने से पहले आपने बोला था एलसीएम को 2 कह रहा, 2 5 और 10 डिवाइड करना है, 10 को 2 से 2 5 और 10 एलसीएम लेना। बच्चे और चीज होती है वो तो फैक्टराइजेशन करना, दो डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लेना, वो तो अलग चरण हो किधर बीच में मिक्स कर रहे हैं। ये क्या बन गया, अच्छा इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, ये वाली टर्म उठा के ब्रैकेट के ये बाहर जो पड़ी हुई है पूरी, इसको एक ब्रैकेट बना देंगे और इन दो ब्रैकेट्स का सेम होना भी जरूरी है, अगर ना हुई तो आपका क्वेश्चन गलत है। इन दोनों में से कोई एक ब्रैकेट एज इट इज लिख देना, मैं करवाता हूँ, इसके मल्टीपल मुझे करवाने पड़ेंगे इसका। सबर सबर सबर, बच्चे मैं बताता हूँ, थर्ड पार्ट भी है, अभी ढेर सारे पार्ट इसके बनेंगे। एक्स माइनस वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई, देखें ये दोनों पहले से ब्रैकेट सेम है। यस सर, ब्रैकेट सेम होने से मैं पता चला कॉमन उन्होंने लेके रखे हुए हैं, हमने बस इसको और इन दोनों इकट्ठा कर देना है, ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस बस। मैं सवाल करवाता हूँ, फिफ्थ पार्ट के अंदर फिर कॉमन लिए हुए हैं, आसान है। सिक्स्थ पार्ट के अंदर कॉमन आ जाएगा, सेवन्थ पार्ट में करवा रहा हूं। बोले नहीं देखें, इन दोनों में कॉमन नहीं, बल्कि पहले सबसे पहले रूल बोला था ना, सबसे पहले कॉमन ढूंढे सारों से कॉमन क्या आ रहा है, थ्री एक्स भी नहीं आ रहा, वाई आ रहा है, नहीं
सिर्फ 3 आर तो 3 कॉमन लेके ब्रैकेट लगा ले एक्स भी आ रहा तो 3 के ले लेते जो भी कॉमन आ रहा है पूरी चारों टर्म्स में से। पहले हमने देखा 3 कॉमन आया है, पीछे क्या टर्म बच गई है x2 + 2y2 - xy xy2 - x 2x ये टर्म बच गई है। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन चुके हैं। अब इसमें से हम ये 3 जो बाहर है इसको बाहर ही रहने देंगे, थ्रू आउट आंसर तक इसे बाहर रखेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं ना आ रहा कॉमन। अब हमारे लिए पंगा खड़ा हुआ है, जो वो मैं बता रहा था आपको रूल, उसके दूसरी टर्म को उठा के फोर्थ पोजीशन पर ले जाएं। हम लिखेंगे माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस टू वाई स्क्वेयर। देख ले मैंने किया क्या, इसको सेकेंड टर्म उठाकर मैंने फोर्थ पोजीशन पर रख दिया है, मैंने और कोई चेंजिंग नहीं की, ठीक है जी। आंसर नहीं है बच्चे, अभी सॉल्व करना है, अभी तो ये एक नया क्वेश्चन बना है, ठीक है। इसके साथ कंफ्यूजन आना लो, क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एक्स एक्स माइनस वाई स्क्वेयर, माइनस का साइन आया थर्ड टर्म का, टू कॉमन आ रहा है दोनों में, एक्स माइनस ने साइन चेंज किया माइनस आ गया, टू के साथ टू डिवाइड होके वन हो गया तो वाई स्क्वेयर बच गया। नेक्स्ट स्टेप में आंसर इधर लिख रहा हूँ, थ्री वैसे ही बाहर जैसे मैंने कहा वो रह जाएगा, और इन दोनों को मिला के एक ब्रैकेट बना देंगे, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वेयर आंसर है। देख ले दोबारा से क्वेश्चन को गौर कर, वो बात एक ही है ना कि डबल ब्रैकेट लगाएं तो उसको मल्टीप्लाई सिंगल ब्रैकेट है, बात तो वही है ना, डबल ब्रैकेट अब लगाने की हमें जरूरत नहीं है, मतलब वो रजिस्टर 2 ए बी था। हां बिल्कुल, ए बी सुना था जी, समझ लगा की बात की? यस सर। क्लियर है सराय की जी? ये जो पहली वाली, ये कैसे है? कौन सी वैल्यू? पहली रजिस्टर मैंने 3 कॉमन लिया था, सारी वैल्यू में से 3 कॉमन लिया था। लास्ट पार्ट में करवा रहा हूँ, नहीं नहीं लो तो हो चुका है, नहीं हुआ बल्कि सेकेंड लास्ट पार्ट देखें, 3 ए स्क्वायर प्लस 9 बी सी माइनस 9 ए सी माइनस 3 ए बी, यही है। देखें और से पूरी टर्म में कॉमन देखें, 3 कॉमन आ गया। सबसे पहले वैसे वैल्यूज को आप उतार रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 3 बी सी, 3 3 आर 9 है ना, 3 माइनस 3 3 आर ए सी माइनस ओए ए सारों में कॉमन नहीं है, नहीं नहीं 3 3 से चला गया, ए भी बच गया। अब हमारे पास कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई है, पहले दो में कॉमन ही नहीं आ रहा, ए स्क्वायर माइनस 3 ए सी माइनस ए बी प्लस 3 बी सी। उमेर स्टेप में हमने क्या किया है, उमेर कटिंग कर दी है, किसको इधर उधर कर दिया, खड़े हो जाओ आप खड़े होके बाकी क्लास लेंगे सर जी। अनस क्या किया हमने सर, इसमें वो ऊपर वाली टर्म में कॉमन ही आ गए तो फिर 3 बी सी को 3 एस सी की जगह पे रख दिया। नहीं बोले रूल, मैंने उसका बोला था उसके किस को हमने क्या कर दिया, रूल है उसका एक, क्या करते हैं हम सर, अगर कॉमन ना आ रहा तो फिर सेकंड वैल्यू को फोर्थ में। गुड शाबाश, ये बताना था जब बंदा पढ़ते पढ़ते मियां वाली पहुंच जाए
वहां बछड़ा पहुंच जाए, तो इस तरह तो नहीं ना समय लगती होती। ठीक है, हमने सेकंड टर्म उठा के फोर्थ पोजीशन पर रख दिया। ठीक है, और अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ए माइनस थ्री सी माइनस कॉमन आ रहा है तो मैंने ले लिया। अच्छा, मुझे ए स्क्वायर कॉमन लेना चाहिए था, ये तो मैं भूल गया। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप बहुत अच्छा सोच रहे थे। कॉमन लेना था क्योंकि छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू कॉमन लेनी थी। ठीक है, अच्छा माइनस थर्ड टर्म का साइन आ गया, इन दोनों में से ए बी कॉमन आ गया। आपने खुद बोला है सर, बी आ गया जी, कॉमन क्या आएगा? बी। ए साइन चेंज कर दिया, माइनस हो गया, थ्री सी ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद तो थ्री बाहर रह जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस थ्री सी, इसमें गलती पकड़ लेंगे जी। आप बताएं सर, इसमें पहले ब्रैकेट में a माइनस b आएगा। हाँ, दूसरी में सर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? वो दूसरी में, दूसरी में क्या गलत है इसमें? सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। सर मैं तो यूं किया। ठीक है, समय लग एक मिनट बच्चे, उस बच्चे ने सवाल पूछा है दोनों ब्रैकेट एक जैसी होनी चाहिए थी, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में देखें सेम ना हो तो मैं गलत हूँ। सेम है, नहीं नहीं, वो तो इनको दोनों को मैंने कहा था मिला के एक ब्रैकेट बना देनी है और इन दोनों में से कोई एक ब्रैकेट लिख दे, इन दोनों को मिला के एक बने। हाँ ठीक है, जी बिल्कुल, वो जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है ना पूरी वैल्यू के साथ, उसी में से तो हमने कॉमन उठाया था उसको। जी 2.8 द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ टुडे, लेकिन मजे की एक्सरसाइज, सबसे मजे की और सबसे कपाने वाली। सुने, इसमें मेरा क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स हैं वो मैं कनेक्ट करवा दूंगा। सबसे पहला पार्ट में करवा रहा हूँ, नहीं सबसे पहले नहीं, ऊपर एग्जांपल नंबर 2 देखे, 22 पेज नंबर 98 के ऊपर एग्जांपल नंबर 22, पहले इसको देखें, फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 21। देखें मैं कुछ चंद उसूल बताऊंगा, उनको फॉलो करोगे तो ही आप भी कर सकोगे, अदरवाइज आप अपने गुर लगा लगा के हो सकता है किसी के चल जाते हो गुर। ठीक है, ना 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 ना, कोई फार्मूला नहीं है, बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिक के साथ चलना पड़ेगा। आपने ये याद रखना है हमेशा, इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना होता है, ये बनता है 21x2, यही बन रहा है, ऐसा ही है, मल्टीप्लाई करके यही बनता है ना, हमने मल्टीप्लाई पढ़ा हुआ है जी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी ऐसा ना बोलें, गलत बोलें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखे रखे, रफ वर्क है ये सारा। सुने बच्चे, अभी सेकंड नहीं बात कर रहा, ये और ये दो वैल्यू, पहली और आखिरी, दोनों को मल्टीप्लाई करके रफ में लिख लेना। लिख लेने के बाद इसके कुछ ऐसे टुकड़े बनाने हैं, ये क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ, एक क्वेश्चन सही है, सही है, 10x है फिर यहां पर, या मैंने गलत लिखा है, एक्स है बुक के ऊपर गलत लिखा हुआ है, बुक के ऊपर गलत लिखा हुआ है, वहां एक्स लिख लें। हाँ अच्छा देखें, अब कह रहे हैं आपको कैसे पता चला, अदरवाइज अदरवाइज तो 10 प्लस 21 तो 31 हो जाता फिर सीधा सीधा, अभी नहीं ना ऐड हो सकता, अदरवाइज तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 31 होता, 10 प्लस 21 31 हो जाना था।
अब हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर है ना 10x, इसके कोई से ऐसे दो पार्ट्स बनाएंगे, टुकड़े बनाएंगे, जैसा कि हम बोलेगा कोई बच्चा नहीं, जैसा कि हम इस क्वेश्चन में टुकड़े खुद से बना रहे थे, अपने माइंड से बनाए थे कि दोनों में पूरे आए, दोनों में एक जैसे बन गए, जैसा इसके इसको हमने बना लिया 30+4, उसको हमने बना लिया 30-4, 30 दोनों में लाना पड़ा हमें, 4 दोनों में लाना पड़ा, लेकिन हमने अपनी अकल से लाए, ऐसे ही है ना। इसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से इसके हमने कुछ ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करें 10x ही रहे, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 21x² बने। उसके लिए सबसे बेसिक उसूल याद रख लें कि 21 कैसे 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 बनता है, किस किस के टेबल से बनता है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसा कि 7 3s are 21 होता है, और 3 7s are, बात तो एक ही है ना गधे, उसके अलावा क्या 21 कहीं बन सकता है? बन सकता है, अपने टेबल पर ही 21 multiply by 1 बन सकता है ना, 21 1s are 21, उसके अलावा तो नहीं मेरे ख्याल में बन सकता मल्टीप्लाई करने से। दिमाग प्रेजेंट रखना, मैं किसी भी मौके पे जान कुछ गलत बोलूंगा और आपने हाँ में हाँ मिलाई तो पकड़े जाओगे किसी भी बात में, ठीक है। अब यानी कि पेयर में से हमें पता चला कि पेयर तो सिर्फ ये दो बन सकते हैं। सुने, इन दो पेयर में से अब प्लस माइनस करके चेक करें कि वो 10 ही बनना चाहिए, 7 और 3 ही 10 बन सकते हैं, 21 और 1 चाहे माइनस करें चाहे प्लस करें 10 नहीं बन सकता, ऐसा ही है, ठीक है। अब हम फिर इस पेयर को चूज करते हैं, पेयर को चूज करते हुए हमने करना क्या है, इसको एज इट इज लिखा, प्लस 7x, क्योंकि उसके साथ x है तो हम x लिखेंगे, उसके साथ y है तो हम y लिखेंगे, उसके साथ a b c कुछ भी लिखा है हम वही लिखेंगे। बच्चे x² को मैंने x² ही लिखा है, वो तो मैंने कहा सारा रफ वर्क है, मैंने क्वेश्चन का हिस्सा तो नहीं कहा, ठीक है बैठो। 7x, और ये इसके साथ जो दूसरा पार्ट है उसको भी 3x लिख दें। अच्छा जी देखें, इन दोनों के दरमियान मैंने दोनों को ही प्लस प्लस करके लिखा है, मैंने माइनस माइनस करके लिखना चाहता तब भी लिख लेता, लेकिन मसला ये है मैंने प्लस का 10x लाना है, तो जाहिर है फिर हमें प्लस का 7 प्लस का 3 रखेंगे तब जाके ही 10x बनेगा ना, ठीक है। प्लस 21 एज इट इज, 21 को भी नहीं हमने छेड़ा। अब ये इस क्वेश्चन पे जरा नजरे करम फरमाएं तो ये 4 terms वाला 2.7 बन चुका है, सर जी इतने लंबे क्वेश्चन 4 terms वाला 2.7 बन चुका है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट टू में कॉमन, फिर नेक्स्ट टू में कॉमन, या सबसे पहले सारों में कॉमन, लेकिन इन क्वेश्चन में सारों में कॉमन नहीं आएगा, पहले टू में कॉमन, अगले टू में कॉमन, और वो भी मोस्टली पहले दो में कॉमन आ जाता है, ना आए तो वो फिर आप कर सकते हैं चेंजिंग थोड़ी बहुत, ठीक है। वो भी क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, इसलिए मैंने पहले बोला है आपके सामने, मैंने जोर दे दे के बातें कर रहा हूं, एक क्वेश्चन दो मतलब 10 seconds में क्वेश्चन कंप्लीट होता है, मैं आपको 10-10 minutes में एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, जोर दे दे के इस बात पे, कैसे 10x हमने बनाना था प्लस का, प्लस का 7 प्लस का 3 रखेंगे तभी 10 बन सकता है, मैं एक आध माइनस का रख लेता फर्ज करते हैं तो वो फिर क्या बनते, प्लस का 7x माइनस का 3x होता तो ये रह जाना था 4x, ऐसा ही है ना, वो तो गलत हो गया। और मल्टीप्लाई भी करें 7 3s are 21, दोनों सिमिलर साइन हो तो प्लस का 21x², क्योंकि 21 को x² से मल्टीप्लाई करें तो वो भी प्लस का ही आ रहा है। बच्चे सारे दिमाग अपना खुला हुआ रखना, अभी देखें जरा, इसके बाद हम नॉर्मल सी बात हम कर रहे हैं, पहले दो में कॉमन लें x प्लस 7x प्लस 3 into x प्लस 7, मैंने कुछ गलत बोला है, आप बोले नहीं बीच में, हाँ जी जी। अब पहले क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं, इसका मतलब है आपने कॉमन भी सारे ठीक लिए,
आपने सारे स्टेप अब से पीछे तक के जितने थे सारे ठीक किए। एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस सेवन, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम मैं दो चार इस तरह के और मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करवाता हूँ। इसका सबसे पहले लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि जब वो एक पहाड़ तोड़ लेंगे तो छोटे छोटे जो है ना सड़कें तोड़ना आसान हो जाएगा। स्क्वायर है कोई मुहावरा भी होता है, कोई अक्ल होती है जी। देखें आप देखें जरा पंजाबी में टेबल पढ़े 14 5 70 एम स्क्वायर 14 5 मल्टीप्लाई करना है ना 70 मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया 70 एम स्क्वायर। प्लस का है, माइनस का नहीं है, ये आपको पता है। इसका भी साइन सेम है इसके साथ, इसलिए प्लस का है। अब अगली बात आ गई 37 के टुकड़े करना। कोई बच्चा बोले ना फजूल में, ना ना नहीं बोलना, नहीं बोलना बिल्कुल, मैंने मना किया। मैं आपको नहीं बच्चे, मैं आप सोच नहीं रहे कि मैं बच्चों को सोचना सिखा रहा हूँ। आते तो मुझे भी हैं, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ ऐसे 50% तो क्लास बैठी है जिनको पता ही नहीं जो सोचेंगे कैसे। ये कैसे पता चलेगा कि जी 37 फलां फलां को टुकड़े करें तो सही बन रहे हैं। हमने 70 बनाना है मल्टीप्लाई करके उन दो टुकड़ों को, हमने 37 बनाना है माइनस का उन दोनों को प्लस माइनस करके। ये बात कंफ्यूजन वाली है ना, दो रूल अपने माइंड में फिक्स रखने हैं तब जाके हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, ठीक है। पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। मैं ये करवा रहा हूँ, आप ये समझ नहीं रहे बात, दूसरों के माइंड से भी उड़ाएंगे। जब गलत है तो मेरे पास ले आना लहदा से, मैं आपको समझा दूंगा जी। माइनस 37 है, फोकस करें इस पे। हम 37 के टुकड़े बनाना शुरू करते हैं, हमने रखना माइनस का ये दोनों में, ऐसा ही है ना, तभी जाके तो दोनों माइनस के 37 बनाएंगे। मतलब सपोज करो मैं अगर इसके मैं गलत बना रहा हूँ टुकड़े, जानबूझ के गलत बना के, ताकि आप सही पर पहुंचने का तरीका क्या है। आप इसके 40 - 3 बनाते हैं टुकड़े दो, प्लस का 40 नहीं, ये तो सॉरी माइनस का 40 रखते हैं, प्लस का 3 रखते हैं, बन रहा है ना माइनस का 37, बन रहा है कि नहीं बन रहा। लेकिन जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0 3 4 12 माइनस का 120 बन गया, गलत हो गया, 70 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। अब हम करते हैं 30 माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 7 से, माइनस का 37 बन रहा है। देखो एक चीज तो हमारी पूरी हो गई, अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस का 37 है ना ये, माइनस का 30 माइनस का 7 रखेंगे तो दोनों मिलके 37 माइनस का बन जाएंगे। वो गधे माइनस मल्टीप्लाई नहीं, वो एक मिनट एक आप अकल से काम ले थोड़ा सा, इन दोनों को प्लस करना है। इन दोनों को प्लस करेंगे 37 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, ये अब माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, हमें रिजल्ट में यहाँ पे प्लस ही चाहिए था, वो भी बात ठीक है। 700 7 3 21 नहीं, ये भी नहीं हो रहा, वो हमने किया छोटा साबित हुआ, ये हमने किया बड़ा साबित हुआ, ऐसा ही हुआ है ना दोनों के से। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के दरमियान आंसर है। मैं आपको बच्चे बार बार कह रहा हूँ, तो आपको सोचने की ट्रिक सिखा रहा हूँ कि आप उस आंसर पे कैसे पहुंचेंगे। हमने 37 से थोड़ा ऊपर की तरफ गए, हमारा आंसर छोटा हो गया। हम 37 से थोड़ा नीचे की तरफ आए, 30 पे आ गए, ये इस तरफ के बड़े वैल्यू की बात कर रहा हूँ। नीचे की तरफ आए, हमारा आंसर बहुत बड़ा हो गया। इसका मतलब है हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। अब आप दरमियान की तरफ थोड़ा सा जाने के लिए क्या करेंगे, 33 करते हैं वाला, माइनस का 33 करते हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मेरे जहन में सारा आंसर भी मौजूद है। मैं बच्चों को जिनको 50% को पता ही नहीं है,
सोचने का तरीका बता रहा हूँ। माइनस का 33 रखे तो माइनस का 4 रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस का ही आएगा। 132 कितना लेके आना है? नहीं, अभी भी ज्यादा है, थोड़ा सा और हमें इसको नीचे की तरफ लेके जाना, यानी के 40 की तरफ को लेके जाना पड़ेगा। दो नंबर और ऊपर ले जाते हैं, माइनस का 35 माइनस का 2 रखते हैं, जो कि तभी जाके 37 बन रहा है ना। तो अब हम करते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 5 10 1 3 2 6 और 1 7 प्लस का 70 आ गया, प्लस का 70 आ गया ना। तो अब हम लिखेंगे इसको 14m² माइनस 35m माइनस 2m प्लस 5। अब देखें गौर से जरा, जो ये पेयर है जो हमने खुद से डिजाइन किया है, जिसको हमने सोच के निकाला है, ये मल्टीप्लाई करें 35 टू जार कितना बन रहा है? 70 प्लस का ही बन रहा है। इन दोनों को प्लस माइनस करें, माइनस का 37 बन रहा है। सोचना कैसे है, बड़ा नंबर करके भी मैंने आपको बता दिया, वो बहुत छोटा हो रहा है और बड़ा हो रहा है, वो तो छोटा माइनस की तरफ सोचे तो छोटा हो रहा है, और दूसरी तरफ को जाएं तो नंबर दूसरी तरफ को जा रहा है। हमें सारा एंगल सेट करना पड़ता है सोच के, आहिस्ता आहिस्ता। जिस बच्चे को टेबल अच्छे आते हैं ना, मैं बिलीव मी, मैं टेबल मुझे अच्छे आते हैं पंजाबी वाले, तो जितनी बड़ी टर्म आती है मैं देख के बता देता हूँ ये ऐसे होगा, टेबल आते हैं। इसलिए आपको बार बार कहता हूँ टेबल बच्चों को याद करने चाहिए, टेबल याद करने चाहिए, टेबल आते हैं तो आपको कुछ भी प्रैक्टिकल ये रफ में करने नहीं पड़ता। इसी तरीके से एलसीएम वाले हैं, ओ सॉरी स्क्वायर रूट फाइंड करना, उसमें भी आपको मैंने रफ का तरीका सिखाया हुआ है, 1 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 2 से, फिर 3 3 3 से करें, अलहदा मैंने सिखाया रफ में करने के लिए। लेकिन जिसको टेबल आते हैं वो डायरेक्टली कर जाएगा। जी इन दोनों में कॉमन ढूंढने, एक तो एम आ गया, 7 भी आ रहा है, 7 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 7 2 14 7 5 35 कर रहा है ना, 7 दोनों को डिवाइड कर रहा है। ये बार और नहीं फंसने दूंगा मैं इसे, सबर तो करें। अच्छा। आपकी सबसे पहले जो मैंने निशानियां बताई थी मैं बताता हूँ सबसे पहले उसूल याद करें, 3 उसूल बताए थे मैंने, सबसे पहला उसूल 4 में कॉमन नहीं आ रहा, फिर देखे पहले 2 में कॉमन आ रहा है, आ रहा है तो क्वेश्चन को सॉल्व होने से कोई नहीं रोक सकता, मैं रूल बता रहा हूँ। नहीं आ रहा होता तो हम शिफ्ट करते, लेकिन आ रहा है तो इसका मतलब है क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब पहले 2 में कॉमन लें, 7 कॉमन आ रहा है इनमें से, 7 2 14 और एक एम बच गया, माइनस 7 5 35 एम वैसे ही बच जा चुका है। यहां से माइनस तो पहले लग गया थर्ड टर्म का साइन, अब अगली 2 में कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। नहीं 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 सुने एक दफा, पहले जनरली जो बच्चा सोच रहा होता है मैं उसके मुताबिक बता रहा हूँ, 2 में कॉमन ही नहीं आ रहा, ऐसे ही सोच रहे हैं आप, जब कॉमन ना आ रहा हो तो आपने 1 लिख देना है, जब कॉमन ना आ रहा हो तो क्या लिख देना है? 1। और ये 2m एज इट इज, चूंकि 1 ने तो कोई इसका बिगाड़ना ही नहीं है, इस माइनस ने बस इसका साइन चेंज कर देना है। देखिए दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या है? We are doing सही लॉन्ग प्रोसेस से तो हो जाएगा जी। 7m माइनस 1 दूसरी तरफ 2m माइनस 5 क्वेश्चन सॉल्व, बाकी बच्चे आप लोग खुद करेंगे प्रैक्टिस।